नमस्कार, मैं हूं प्रियांक सौरभ और आप देख रहे हैं बिहारी डॉट न्यूज। दोस्तों, आज स्वस्थ जीवन में फिजियोथेरेपी की महत्वता पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में एम्स नई दिल्ली के द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के डॉक्टर प्रभात रंजन और द डायरेक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक पटना के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत कुमार। आज हम इनसे करेंगे खास बातचीत। नमस्कार प्रभात जी, सुजीत जी, आपका स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। और सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि ये फिजियोथेरेपी क्या है। फिजियोथेरेपी एक ऐसी पद्धति है जिसमें जो है कि दवा के बिना इलाज किया जाता है, और इसमें कुछ कुछ माध्यम होते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा, कुछ मशीनों के द्वारा होती है, और कुछ विशेष तकनीकी एक्सरसाइज हैं जिसके वो करने के उपरांत मरीजों को काफ़ी लाभ मिलता है जी। और आज के युग में ये काफ़ी प्रासंगिक हो रखा है, और लोग जो है कि दवा लेना नहीं चाहते हैं, खासकर दर्द में या फिर किसी अन्य बीमारी में, तो उसमें जहाँ जहाँ ये सहायक है, ये फिजियोथेरेपी बहुत मदद करता है। सुजीत जी, आपसे हमारा सवाल है कि ये फिजियोथेरेपी का योगदान किन किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से? फिजियोथेरेपी का योगदान आज मेडिकल में इतना इम्पोर्टेंस हो गया है, जैसे कि आर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, जेरिएट्रिक कंडीशन, गायनिक कंडीशन, स्पोर्ट्स, यूरी, ये सब विभिन्न क्षेत्र में फिजियोथेरेपी का बहुत रोल हो गया है। एक एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कि बोन फ्रैक्चर होता है, बोन फ्रैक्चर अगर सिंपल फ्रैक्चर है उसको हम सब प्लास्टर करते हैं, 3 सप्ताह, 6 सप्ताह, 4 सप्ताह, जितना भी हो। उसके बाद जैसे प्लास्टर काटते हैं, उनका जो अंग है, जो हाथ या पैर का प्लास्टर हुआ था, वो सही से काम नहीं करता है, उसका पावर लॉस हो जाता है, स्टिफनेस हो जाता है उसमें। तो उसको हम सब धीरे धीरे मोबिलाइजेशन देके, पावर लेके, रेंज ऑफ मोशन बढ़ा के, ये चीज़ उसको हम सब मेंटेन करके फंक्शनल करते हैं उसको। ये फिजियोथेरेपी का रोल है। बस आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिजियोथेरेपी के दो महान शख्सियत कह सकते हैं, डॉक्टर प्रभात रंजन और डॉक्टर सुजीत कुमार। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं, लाइव चैट हो रही है आपसे भी, और आप इस दौरान फिजियोथेरेपी के संबंध में भी किसी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे बीच जो मौजूद हैं वो आपके सवालों का जवाब देंगे। फिलहाल हमारा सवाल डॉक्टर प्रभात रंजन जी से है कि आम जीवन में फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है आम जीवन में? बड़ा अच्छा सवाल है ये, क्योंकि आजकल जो है जीवन शैली से संबंधित बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, और उसके वजह से मोटापा बढ़ रहा है, बहुत सारे लोगों के अंदर में मधुमेह जैसी रोग, डायबिटीज जिसे बोलते हैं, आपको जो ब्लड प्रेशर है, वो जो एक शिथिल जीवन शैली और निष्क्रिय जीवन शैली जीने की वजह से हो गई है, लाइफ बहुत जो है मैकेनाइज्ड हो गया है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसके लिए लोगों को जो है कि हमेशा जो है कि कुछ ना कुछ व्यायाम करते रहना चाहिए, और एक भौतिक चिकित्सक के संपर्क में रहकर बहुत सारी जो बढ़िया जो एक्सरसाइज उनसे संबंधित है वो समझकर, देखकर, बूझकर उनको जो है कि करें, और जिससे कि उनको ये सब चीज़ों से जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं उनसे उनको जो है कि लाभ मिले। अभी प्रभात रंजन जी बता रहे थे आम जीवन में फिजियोथेरेपी का महत्व। फिलहाल आप भी अपना सवाल इनसे कर सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुजीत कुमार। सुजीत कुमार जी, आप बताइए कि एक उम्र के बाद कई तरह की समस्याएं आती हैं फिजियोथेरेपी के मामले में, जैसे बुजुर्ग हो जाने के बाद घुटनों में दर्द, तरह तरह की समस्याएं जो आती है, इसका निदान क्या फिजियोथेरेपी से संभव है? बिल्कुल संभव है, उसमें वो देखा जाएगा कंडीशन बाई, जैसे जेरिएट्रिक कंडीशन बोलते हैं, जिस तरह से जैसे जैसे उम्र ढलता है पूरे सिस्टम जो है धीरे धीरे वो स्लो होता है, या बोले हैं कि उसका एज पूरा हो गया। इसमें क्या है कि आदमी को लाइफ स्टाइल मेंटेन रखने के लिए डेली मॉर्निंग वॉक चाहिए, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज चाहिए, मेडिटेशन का भी आप सहारा उसमें ले सकते हैं। दूसरी बात है अर्थराइटिस की बात, जहाँ तक आप कर रहे हैं अर्थराइटिस की बात, आज के समय में एकदम कॉमन हो गया है। सबसे बड़ी बात है लोगों का उठना बैठना, ओबेसिटी हो गया, अच्छा से बैलेंस खान पान नहीं करना, कैल्शियम की कमी, बहुत लेट स्टेज में जाके आप डॉक्टर के पास गए,
सही समय पे सही गाइडलाइन नहीं मिला, आपको गाइडलाइन जब मिला जब तक लेट हो गया आपका। तो ये सब है कंडीशन आज के समय में ऑस्टियोआर्थराइटिस का, बहुत पेशेंट हो गए हैं, बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं इसमें। लोग कहते हैं कि अब तो मेरा कुछ है नहीं, बिल्कुल लाचार हैं जी, सीढ़ी नहीं चाहते हैं, बहुत तरह के बात है। और दूसरी बात है थोड़ा सा मेडिकल में भी कुछ खामियां है, समय से लोगों को दूसरे जहाँ ज़रूरत है वहाँ रेफर नहीं करते हैं केस को। ये सब चीज़ का आज के समय में ज़रूरत है कि समय के हिसाब से मेडिकल का फैसिलिटी जहाँ जिनका ज़रूरत है वो उनको योगदान लेने के लिए बोलना चाहिए। ये हमारे साथ अंजनी कुमार जुड़े हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कोई अच्छी रिहैबिलिटेशन सेंटर इन बिहार लाइक डॉक्टर प्रभात रंजन फिजियो आर अवेलेबल। इसका उत्तर मुझे लगता है डॉक्टर सुजीत बेहतर दे सकते हैं, आप पटना से संबंधित हैं तो आप बता सकते हैं कि मतलब इस तरह का कोई सेंटर बिहार में मौजूद है, मतलब इनके लेवल का रिहैबिलिटेशन सेंटर। रिहैबिलिटेशन फुल्ली डेवलप रिहैबिलिटेशन का भी यहाँ ऐसा कुछ सेंटर नहीं है, बहुत से सरकारी इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल जहाँ है वहाँ कुछ कुछ अब शुरुआत हुआ है सेटअप लगना। दूसरी बात है पब्लिक में जैसे जैसे अवेयरनेस हो रहा है, पेशेंट भी फिजियोथेरेपी के पास जा रहे हैं, तो अब नीड हुआ है ऐसा कि इस तरह के फुल्ली इस्टेब्लिश रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है यहाँ। ऐसा भी फुल्ली रिहैबिलिटेशन हमके समझ में अभी नहीं बिहार में ऐसा। हमारे साथ अंजनी कुमार जी का ही अगला सवाल आ रहा है, मतलब उनका एक सवाल है कि सर हमारे कमर में दर्द 4 महीनों से है, क्या करना चाहिए आप बताइए। अच्छा, जैसे अभी डॉक्टर सुजीत बता रहे थे रिहैबिलिटेशन से संबंधित जो प्रश्न था, उसमें मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एक बिहार कॉलेज ऑफ फिजियो ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है जिसमें एक बहुत बड़ा अच्छा सेंटर लगाने का बहुत उसमें साधन है, और थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो बनाया जा सकता है उसे, क्योंकि जिस तरह के संसाधन वहाँ उपलब्ध हैं उसे बनाया जा सकता है। रही बात अंजनी कुमार जी की अगले प्रश्न की जिसमें कमर दर्द के लिए, तो कमर दर्द के लिए अब है कि उनका जो है किस वजह से है वो एक थोड़ा सा 4 महीने से है, तो वर्क स्टाइल रिलेटेड है या पोस्चरल प्रॉब्लम है या फिर डिस्क में कोई बल्ज वगैरह रहा है, वो एक MRI या एक्सरे के द्वारा भी उस पर देख कर प्रकाश डाला जा सकता है कि मुख्य कारण है, उसका एक असेसमेंट करना पड़ेगा। असेसमेंट करने के बाद उसे जो है कि सही रूप से इलाज दिया जा सकता है। और एक साधारण अगर हम देखें जो ट्रीटमेंट का मेथड है उसमें अगर PIVD है, अगर वो PIVD के जो द्वारा है तो फिर उसमें हम एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस जो है बोलते हैं उसे, और वो कर सकते हैं हम लोग, मसल को जो है कि स्ट्रेंदेन कर सकते हैं। और अगर पैरों में जो है कि झुनझुनाहट झुनझुनापन है सूनापन है तो उससे संबंधित अगर वो उनकी शिकायत है तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके अपना जो है कि पूरा वो असेसमेंट कराएं और एक सही इलाज करवा लें फिजियो भौतिक चिकित्सा के माध्यम से। डॉक्टर साहब एक सवाल मेरे मन में है कि आमतौर पर अब देख रहे हैं, हालांकि ये कुछ साल पहले तक जैसे कि पहले बुजुर्गों के साथ ये समस्या होती थी कमर दर्द चलने फिरने में तकलीफ जो होती थी, तो क्या यह समस्या जो आजकल युवाओं के बीच में हो रहा है इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब युवाओं के बीच में कमर दर्द जैसी समस्या, ज्वाइंट पेन की समस्या, ये सब कैसे? जैसे मैंने अभी बताया कि जीवन शैली से संबंधित है ये चीज़ें, लोग जो जिस तरह से पहले खेलते थे कूदते थे उस तरह की एक्टिविटी कम हो गई है। अब लोग जो है कि ज़्यादा कंप्यूटर पे समय व्यतीत करते हैं, घरों में मोबाइल पे समय व्यतीत कर रहे हैं। अब पहले जो है लोग मैदान में खेलते थे, अब क्या है पार्क में खेलते थे, अब पार्किंग में खेलते हैं, पार्किंग में उस तरह की सुविधा। इसलिए खेल कूद के प्रति भी जो युवाओं को बच्चों को उनको जो है कि उनके प्रति भी उनको उत्साहित करना चाहिए जिससे कि उनका जो जीवन शैली संबंधित बीमारियों से दूर रहें। तो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो हम खेल कूद के माध्यम से भी उनको उन्हें जो है कि स्वस्थ रख सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि खेलकूद के माध्यम से स्वस्थ रह सकते हैं, और भी कोई तरीका है क्या जो मतलब आजकल के युवाओं में जो इस तरह की समस्याएं शुरू हो रही हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे सर? वही है लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर को हम तो उसमें फुली प्रिवेंट कर सकते हैं, उठने बैठने का ढंग, डेली कुछ रूटीन में अपना फिजिकल एक्टिविटी आप रखिए, उसके बाद जो आप काम कर रहे हैं वर्क प्लेस है वहाँ पर आप कम्फर्टेबल पोजिशन अडॉप्ट कीजिए, इस तरह की बात है। उसके बाद सबसे वही है मान के चलिए आप अगर आप आधा घंटा भी सुबह शरीर पे ध्यान देते हैं, मेरे समझ से मस्कुलोस्केलेटल
जो भी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड अगर परेशानी आती है तो उसको रोका जा सकता है। एक सवाल आ रहा है, गरिमा तिवारी हमसे जुड़ी है, वो पूछ रही है हाउ फिजियोथेरेपी इज बेनिफिशियल फॉर अ वुमन। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। आजकल जो है पूर्व प्रसव और प्रसव के बाद, उसमें भी बहुत ही महत्व बढ़ गया है फिजियोथेरेपिस्ट का। आजकल आमतौर पे देखते हैं कि ऑपरेशन के द्वारा जो है कि बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, सीजेरियन किए जा रहे हैं, लेकिन अगर शुरू से ध्यान दिया जाए तो एक नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है। साथ में जो है कि क्या होता है, महिलाओं में प्रसव के बाद कमर दर्द की शिकायत हो जाती है, तो उसमें अगर शुरू से ही उनके मसल को असेस करके, उनके कमर के मसल, पैर के मसल्स और जो अन्य मसल हैं उनको असेस करके अगर स्ट्रेंथनिंग कराते रहें या स्ट्रेचिंग कराते रहें, तो उनको आगे जो जीवन है उसमें बड़ा आराम मिलता है और उस तरह की परेशानियाँ नहीं झेलनी पड़ती है। फिर थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है उनका, उस वजन को भी कैसे जो है कि अच्छे खान पान की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी आपकी जो है कि विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। और खान पान इसलिए भी कि एक जब नवजात पैदा हो रहा होता है तो उसको एक अच्छे खान पान पोषण की ज़रूरत होती है, तो उसमें वजन बढ़ जाता है। उसके साथ साथ एक्सरसाइज किस तरह की करनी चाहिए वो एक बहुत ही आजकल लाभदायक है, तो एक अच्छे भौतिक चिकित्सक से मिल के आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगला सवाल श्वेता सिन्हा पूछ रही हैं, आई यूज कीबोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम एंड आई ऑलवेज फील पेन इन माई फिंगर टिप्स, हाउ कैन आई क्योर इट विथ फिजियोथेरेपी। हाँ, ये आजकल देखने को मिलता है, इसे जनरली हम लोग कार्पल टनल सिंड्रोम भी बोलते हैं। कि क्या होता है कि जो हथेलियाँ होती हैं, हथेलियों में जो है ज़्यादा ओवर यूज ऑफ मसल्स से, या फिर एक जगह होती है जिसे कार्पल टनल, हाँ कार्पल टनल, तो वो दब जाती है, तो हाथों में सुन्नापन और झुनझुने आती है। तो उसके लिए जो है कि आपको अपना जो टेबल है उस पर सुधार करना पड़ेगा, हाथ को बिल्कुल सपोर्टेड रखना पड़ेगा, और जब भी आप कंप्यूटर पे काम करें तो 15-10 मिनट 20 मिनट के बाद उठकर उसको स्ट्रेच कर लें। थोड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, जैसे ये इस तरह से स्ट्रेच कर लें, इस तरह से स्ट्रेच कर लें, मुट्ठियों को बंद खोल कर लें, तो इससे आप बच सकते हैं। और हाथ को सपोर्टेड रखें हमेशा, उस पर ज़्यादा वजन नहीं आने दें या फिर ज़्यादा स्ट्रेनफुल ना बनाएं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा निजी सवाल है, जैसा कि मैंने भी अपने हाथ टाइपिंग वगैरह पे बात की है, तो अक्सर मैं भी टाइपिंग करते वक्त मैं उंगलियां तोड़ता हूँ जैसे इस तरह से, तो क्या इससे कोई आने वाले समय में समस्याएं उत्पन्न होने वाली, क्योंकि अक्सर हमने कहीं देखा है कि उंगलियां तोड़ने से बहुत तरह की समस्याएं भविष्य में दिखाई देती है, तो ऐसा क्या है, मतलब वो जो ऐसा उससे कुछ संबंध नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ना सामान्य सा प्रक्रिया है। अंजनी कुमार जी का फिर से सवाल है, सुजीत जी आपसे हम करना चाहेंगे कि नॉर्मल लाइफ स्टाइल में डे टू डे जो कर रहे हैं वो कुछ ऐसा एक्सरसाइज बता रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ स्टाइल के लिए कुछ जो रोज़ किया जा सके, इस तरह का कोई एक्सरसाइज नॉर्मल कैसे मतलब। नॉर्मल एक्सरसाइज का मतलब वही हुआ कि अगर हम 2 किलोमीटर भी डेली चल लेते हैं पैदल, एक नॉर्मल डिस्टेंस वो हुआ, वॉकिंग पैटर्न जो है एक क्या बोलेंगे जो आपको अच्छा लगे, स्पीड अगर 2 किलोमीटर भी आप चल लेते हैं नॉर्मल वॉकिंग पूरे आर्म को स्विंग करके, तो वो आपका वो है एक्सरसाइज। दूसरी बात है बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जैसे आप सूर्य नमस्कार का 2-4 स्टेप कर सकते हैं कि पूरे बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करें, थोड़ा सा बैठ लें फिर आगे की ओर झुकें, तो ये सब आपका होल बॉडी का एक्सरसाइज उसमें हो जाएगा। सूर्य नमस्कार आपका वो बेस्ट है। कुल मिला के योगा में भी कहा जाता है सूर्य नमस्कार, अगर मान लीजिए योगा का कुछ स्टेप अगर कर लिया जाए तो वो सुबह का सारा एक्सरसाइज का पूर्ति कर सकता है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि स्पोर्ट्स में अक्सर जैसा कि देखने को मिलता है कि खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं, तरह तरह की समस्या आती है, उस स्थिति में फिजियोथेरेपी उनका किस तरह से इलाज करता है, मतलब क्या महत्व है उनके जीवन में। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आजकल लोग अपना जो है कि खेल का स्तर सुधारना चाहते हैं, और उसको सुधारने के लिए जिस तरह का खेल वो खेल रहे हैं उसमें कौन सी मांसपेशियाँ किस तरह से उनके लिए सहायक होंगी, उनको आप मजबूत कर सकते हैं, उसमें चपलता बनाए रख सकते हैं विभिन्न एक्सरसाइजेस के माध्यम से। आजकल ऑन फील्ड मैनेजमेंट की बहुत उपयोगिता बढ़ गई है खेल कूद में, तो एक जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है ऑन फील्ड में असेस करके कि इसको किस तरह से ऑन फील्ड प्रॉब्लम हो गई है, तो उसी समय जो है कि उसे असेस करने के बाद उसी समय उस तरह की वो ट्रीटमेंट देता है, जिससे कि खिलाड़ी जो है 2-3-5 मिनट के अंदर में स्वतः जो दूसरे अपने पारी या जो भी जिस तरह खेलने के लिए स्वस्थ हो जाता है।
डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में एक और आ रहा है कि अक्सर जीवन शैली में तरह तरह की, हमारी जिस जीवन शैली होती है या आम जीवन में तरह तरह की समस्याएं आती है, और आजकल ये नॉर्मल हो गया है, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, मोटापा का होना और शुगर लेवल वगैरह ये सब, तो क्या इन सब तरह की समस्याओं के लिए फिजियोथेरेपी कोई इलाज है? फिजियोथेरेपी के माध्यम से इलाज संभव है? जैसे अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें आप जो है कि पूर्ण जैसे दवाओं के साथ आप इसे बढ़ने से रोक सकते हैं या फिर प्रिवेंशन के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं। एक जब आप उस तरफ आपकी जीवन शैली जो है कि काफ़ी शिथिल हो तो आप इसके लिए ज़्यादा इस आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी है या रिस्क फैक्टर ज़्यादा है कि आपको इन सब चीज़ों से जूझना पड़े। बट अगर फिजिकल एक्टिविटी आप शुरू से कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, और ख़ासकर युवावस्था में या मध्यावस्था में। शुगर जो हुआ वो पूरे बीमारी के रास्ता खोल देता है शरीर में। सीधा सा एग्जांपल यही मान लीजिए, ब्लड प्रेशर है आपको, मोतिया बिंद हो जाएगा आँख में, उसके बाद वीकनेस होगा, मोटापा बढ़ेगा, आप डेली इजी फील नहीं करेंगे, इस तरह बहुत सा परेशानी मान के चलिए दरवाज़ा है। शुगर जिनको हो गया, अगर नहीं अलर्ट हैं उनको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसके बाद लकवा हो सकता है, आँख का परेशानी हो सकता है, पैर में घाव हो सकता है, झिनझिनी हो सकता है, अगर कंट्रोल नहीं है उन कोमा में भी जा सकते हैं। इस तरह से अगर शुगर नॉर्मल से कम गया तो कोमा में भी लोग जाते हैं। इस तरह से बहुत सा है परेशानी उसमें। एक डॉक्टर सुजीत आज हमारे साथ मौजूद हैं, और हालांकि आप ही से मतलब कुछ समय पहले मैंने भी मतलब स्पाइनल के प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा था, उस वक्त आपने आपके संपर्क में मैं आया, मुझे भी बहुत तरह का राहत हुआ, और तो उस समय हमको लगा कि फिजियोथेरेपी एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। पहले ग्रामीण क्षेत्र में, हाल हम इस चीज़ की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पैर में मोच वगैरह आती है या नशे वगैरह जो हो जाता है मतलब इधर उधर हो जाता है, तो उस स्थिति में अभी भी ग्रामीण स्तर पे कुछ अनजान लोगों से मतलब जो इसे इन सब मामले में जो जानकारी नहीं होती है और वो हाँ झोला छाप कह सकते हैं वैध टाइप के लोग, डॉक्टर भी नहीं कह सकते, डॉक्टर तो खैर एक बड़ी चीज़ हो जाती है, तो हाँ तो वो लोग उनसे इलाज कराना कितना मतलब ये है, कोई रिस्क तो नहीं है? क्योंकि अक्सर ऐसा केस आता है, जब मैं अपनी केस में था तो गर्दन की समस्या शुरू हुई तो आपसे मिलने से पहले मैं ग्रामीण कुछ लोगों से मिला जो हमारे पहले मतलब मोच वगैरह ठीक करते थे, तो गर्दन का प्रॉब्लम था, तो वो लोग बोले कि इससे केस खराब भी हुआ है कई बार, तो वो रिस्क लेना नहीं चाहे, तो क्या सच में ऐसा होता है? वो तो बहुत पढ़े लिखे आदमी इसका मतलब निकलेंगे, आपको सलाह दिए कि ये केस खराब होता है। ग्रामीण एरिया में जनरली तो दो चीज़ है, अगर खिंचाव आया है तो उसमें गांव में देखते हैं वो कुछ का पत्ता गर्म करके उसमें लगाते हैं, लेप लगाते हैं, तो ये सब चीज़ों से आराम मिल जाते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्चर हो गया, उसमें मसाज कर दिया, अगर बोन सेटर बैठा दिया, तो वो परेशानी बढ़ता है, वो आप क्रिटिकल होता है, अल्टीमेटली वही कहता है कि लोग पैर टेढ़ा हो गया, उसी तरह से जुड़ गया, इस तरह के परेशानी आता है। मतलब एक जो साधारण बीमारी है वो बड़ी लंबी बीमारी में परिवर्तन हो सकता है उसका। हाँ मतलब कि ऐसा सुनने में मिला भी, तो अगर मान लीजिए कि एक फिजियोथेरेपी जो होते हैं वो बड़े बड़े शहरों में पाया जाता है, गांव ग्रामीण लेवल में अभी भी फिजियोथेरेपी को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो ग्रामीण स्तर पर अगर मान लीजिए किसी तरह की भी समस्या आती है तो लोग क्या करें? हम लोग उसके लिए जो है कि बहुत सारे काम का आयोजन कर रहे हैं, और भौतिक चिकित्सक अपने अपने स्तर पर अपने अपने जगहों पर कर रहे हैं, जिससे कि ये जागरूकता बढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रही है, और भारत में थोड़ा समय लगेगा लेकिन आने वाले समय में भी लोग जो है कि इसे समझेंगे, जानेंगे और इसका लाभ उठाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। अब खुद को सरकार भी जागरूक हो रही है कि हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी का वो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, लोगों को वहाँ पे वो मैंने रख रहे हैं फिजियोथेरेपी के लिए। गाँव में भी बहुत सा अवेयरनेस हुआ है, फिजियोथेरेपी के नाम लेते हैं गाँव में, मैं भी बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से ही आता हूँ, तो जाते हैं तो वहाँ भी फिजियोथेरेपी का अब नाम है, अब लोगों में बहुत अवेयरनेस हुआ है। इधर पिछले 5 साल में फिजियोथेरेपी का बहुत अवेयरनेस हुआ है। आप देखिए कल वेम्स में वोमेन सेल लोग जो हैं वो फिजियोथेरेपी का एक वर्किंग के लिए वो किए, सेमिनार किए, कितना पेपर मीडिया में आया, अब लोगों में बहुत जागरूक हो गया है सब चीज़ का। अभी देश के युवा
किसी भी तरह का काम करते हैं कंप्यूटर पर उनको दिन दिन में बैठना पड़ता है। हालांकि अभी आपने इलाज बताया वो उंगलियों को लेके, इस तरह से जो उनका बैठने का एक तरीका जो होता है जिससे कमर दर्द या स्पाइनल जैसी स्पॉन्डिलाइटिस टाइप की जो समस्या होती है, उस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आपको जो है कि जो भी जो आपका डेस्क जॉब है, इसे जनरली हम लोग डेस्क जॉब बोलते हैं, तो डेस्क जॉब है तो आपको क्या है कि एक सही ऊंचाई पे, सही जो है कि जो हम बायो मैकेनिक्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, कि जिस तरह से आपका स्पाइन बना हुआ है उसी स्थिति में स्पाइन को बनाए रखते हुए और मसल्स को कम थकाते हुए कार्य करना है। और मसल्स ज़्यादा थक जाएंगे, फटीक हो जाएगा, तो धीरे धीरे फिर वो डिस्क पे असर करता है। इसलिए मसल्स को भी मेंटेन रखने के लिए बीच बीच में जो है कि आपको चहलकदमी कर लेना चाहिए, बहुत देर तक डेस्क जॉब पे नहीं बैठना चाहिए, हर आधे घंटे 40 मिनट 45 मिनट पे घूम लेना चाहिए, अपने आप को स्ट्रेच कर लेना चाहिए जिससे कि मसल के अंदर जो है कि स्वस्थता बनी रहे और वो डिस्क पे प्रभाव न डालें। और साथ में जो है आपको बैठने का काम करने का तरीका अगर उसकी वजह से है तो उसको थोड़ा सा एक भौतिक चिकित्सक मिल के अपनी जो परेशानी है वो बता के, और जिस तरह से इन्वायरमेंट में है उस इन्वायरमेंट में थोड़ा चेंजेस ला के अपने आप को लंबे समय तक के लिए स्वस्थ रहकर और बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं। आमतौर पे किसी भी काम करने वाले युवाओं के बीच या किसी भी व्यक्तियों के बीच काम करते वक्त या उनके रहने या बैठने का जो तरीका होता है उससे उनके शरीर में दर्द शुरू होता है या यह दर्द सर दर्द के रूप में भी होता है, तो क्या सर दर्द का भी फिजियोथेरेपी से कोई इलाज है क्या? सर्वाइकोजेनिक हेडेक जिसे उससे रिलेटेड है जी, तो बिल्कुल मिलता है, उसमें आप फिजियोथेरेपी से सलाह करें और वो आपको कुछ विशेष तरह के एक्सरसाइज बताएंगे तो उससे आपको बिल्कुल आराम मिलेगा। सुमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका सवाल है लाइफस्टाइल और पोस्टरल प्रॉब्लम में फिजियोथेरेपी कैसे कारगर है। हालांकि इस सवाल पर हम लोगों ने चर्चा किया भी है, लेकिन एक बार मैं सुमित तिवारी के लिए भी एक बार फिर से वो सवाल। सुमित तिवारी जी अगर हमारे साथ लेट से जुड़े हों तो उनके लिए यही है कि आप जैसे अभी डॉक्टर सुजीत बता रहे थे कि आप अपना चहलकदमी करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें और थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर लें, तो एक नॉर्मल जो साधारण एक्सरसाइज है वो करें, और बाकी विशेष रूप से अगर कुछ करना हो तो अपने एरिया के और क्षेत्र के किसी भौतिक चिकित्सक से सलाह कर लें। हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, डॉक्टर प्रभात रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो फिजियोथेरेपी से संबंधित जवाब दे रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुजीत कुमार जी पटना, द फिजियोथेरेपी क्लिनिक के डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पे पा सकते हैं, लाइव चैटिंग के दौरान आप उनसे सवाल कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान डॉक्टर साहब करेंगे। डॉक्टर सुजीत जी, आजकल के लोगों का जो काम करने का तरीका है या सोने का तरीका है, तो क्या ये हमारे जीवन शैली पर प्रभावित करता है कि नॉर्मल तरीका से जो कोई सो लेते हैं ऊंचा तकिया करके, दो दो तीन तकिया करके, देर रात तक मतलब तिरछा होकर सोना, ये सब कैसे हमारे आम जीवन पर प्रभावित करता है? ये जो आप बताएं बिल्कुल कॉमन हर घर का प्रॉब्लम है। आजकल लोग जब से नेट का ये पैक जो बढ़ाने लगे हैं लोग, तीन तीन महीने का नेट यूज इतना धड़ल्ले से हो रहा है, बिल्कुल बैड पोस्चर में समय के पहले ही आपको, आप बताइए कि 20-22 साल में गर्दन में दर्द हो जाता है। पहले लोग बैंकर जो लोग बैंक में जॉब करते थे वो लोग आते थे कि मेरे गर्दन में दर्द हो गया, तो लगता था कि चलिए बैंक काम कर रहे हैं इतना देर कंप्यूटर पे। अब तो 15-18 साल का लड़का भी याद आ रहा है कि हमको गर्दन में दर्द हो रहा है। तो ये पोस्चर, गुड पोस्चर बैड पोस्चर, बिल्कुल लोग बैड पोस्चर ही अडॉप्ट करते हैं। दूसरी बात, घर में टीवी देखना है, सोफा पे लेट गए हैं टीवी देख रहे हैं घंटों, तो ये सब चीज़ गलत है, ये सब चीज़ को सुधार करने की ज़रूरत है। कुल मिला के कहा जाए तो अगर जीवन शैली सुधार लिया जाए तो बहुत तरह की समस्याओं का निदान हो सकता है। वेट मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के माध्यम से? वेट मैनेजमेंट के लिए सिंपल जो है कि चलना फिरना, थोड़ा सा डाइट कंट्रोल डाइटिशियन से मिलकर, और अपने वही जैसे मैं हम लोग बता रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। फिजिकल एक्टिविटी आप जितना बढ़ाएंगे, अपना डाइट को अच्छे से कंट्रोल करेंगे, और आपको वेट मैनेजमेंट स्वतः हो जाएगी। ये थे डॉक्टर प्रभात रंजन हमारे साथ मौजूद थे, द फिजियोथेरेपी द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एम्स दिल्ली के फिजियोथेरेपी
के डॉक्टर डॉक्टर प्रभात रंजन और द फिजियोथेरेपी क्लिनिक पटना के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत कुमार, आप उनसे कर रहे थे बातचीत, सीधी जानकारी आपको दे रहे थे, फिजियोथेरेपी से संबंधित समस्याओं का सीधा सीधा निदान कर रहे थे। एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर प्रभात रंजन को, डॉक्टर सुजीत कुमार को। मैं प्रियांक सर्व, आप देख रहे थे बिहारी डॉट न्यूज, और मिलते रहिए और करते रहिए बिहारी डॉट न्यूज को फॉलो, और हम आपको विभिन्न मुद्दों पर जानकारी देते रहेंगे अपने विभिन्न मेहमानों के माध्यम से। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी डॉट न्यूज़ को विज़िट करें। शुक्रिया।